मान मलिक और विशाल पांडे की दोस्ती हो गई है। वेल, रीसेंट एपिसोड को देख करके तो ऐसा ही लगता है, पर लेकिन आखिरकार ये हुआ तो हुआ कैसे? क्या मान मलिक ने विशाल पांडे को माफ कर दिया है उस गलती के लिए जो उन्होंने की ही नहीं थी, या फिर बिग बॉस के घर में आगे बढ़ने के लिए ये अरमान मलिक और कृतिका मलिक की कोई नई स्ट्रेटेजी है? आइए पता लगाते हैं साथ में। हेलो, सिमरन दिस साइड एंड यू आर वॉचिंग अवर स्पेशल सेगमेंट ऑन बिग बॉस OTT 3। बिग बॉस के घर में इस वक्त के जो हालात हैं वो एकदम से ही बदल गए हुए हैं यार, और ये बदले किसने हैं? अरमान मलिक ने यार, मतलब एकदम से ही वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिस चीज की हमें उम्मीद ही नहीं थी वो होते हुए दिखाई दे रही है। अरमान और विशाल कल तक जो एक दूसरे को नोच खाने के लिए आ रहे थे, आज एकदम से हंस हंस के बातें करने लगे। अरे भाई, ऐसा क्या हो गया, कोई हमें भी तो बताओ। क्या ये सचमुच में बिग बॉस की जो डांट है, जो अनिल कपूर ने उन दोनों को फटकार लगाई थी, ये उसका असर है, या फिर कहीं ना कहीं एक तरीके से आगे बढ़ने के लिए दोनों में से कोई एक जना एक दूसरे का सहारा लेने की कोशिश कर रहा है? देखिए, विशाल पांडे की अगर हम बात करें तो उनके ऊपर ये वाले सवाल जो हैं वो उठने बहुत ही कम वाजिब हैं, लेकिन अगर अरमान मलिक को देखा जाए तो उन पर बहुत सारे सवाल जनता उठाते हुए दिखाई दे रही है कि भाई ये एकदम से क्या हो गया, अब एकदम से अरमान मलिक विशाल पांडे के लिए इतना ज्यादा नर्म कैसे हो गए, हुआ क्या, उस बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, जो एपिसोड था, रीसेंट एपिसोड, उसमें क्या हुआ, अरमान मलिक और कृतिका मलिक को देखा गया घर में व्लॉगिंग करते हुए, जहां पर वो अपने जो व्यूअर्स हैं उनको सभी घर वालों से मिलवा रहे थे, और इसी दौरान वो पहुंच गए विशाल पांडे के पास, जहां पर विशाल पांडे और उनके साथ लव कटारिया, शिवानी कुमारी और सना मकबूल, ये चारों जो है वो एक साथ बैठे हुए थे। यहीं पर आ गए अरमान मलिक और उनकी पत्नी, और उन्होंने साथ में जो है वो इंट्रोडक्शन करवाना शुरू कर दिया। इंट्रोड्यूस करवाते हुए उन्होंने कहा कि देखिए, ये विशाल पांडे हैं जिनकी घर में बड़ी ज़्यादा बातचीत होती रहती है, आप इनको बड़ा ज़्यादा हाइलाइटेड देखते हैं, सब इनसे बड़ा ज़्यादा प्यार करते हैं। और साथ ही में लव कटारिया के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि भाई, ये दोनों तो आपस में मियाँ बीवी की तरह रहते हैं, इनमें तो बड़ा ही ज़्यादा प्यार है, और हम तो चाहते हैं कि इनकी ना जल्दी से जल्दी शादी करवा दी जाए, सो आप ही हमें वोट करके बताइए कि क्या हम इनकी शादी करवा दें। ऐसी बातें करते हुए बड़ा ज़्यादा हंसी मजाक जो है वो अरमान मलिक जो है वो करते हुए दिखाई दिए। साथ ही साथ कृतिका भाभी भी बड़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी यार, अभी थोड़े दिन पहले तो आपकी विशाल पांडे के साथ लड़ाई हुई है, जब लास्ट नॉमिनेशन टास्क हुआ था, अगर आप लोगों को याद हो तो क्या हुआ था, विशाल पांडे ने कृतिका को नॉमिनेट कर दिया था कि भाई मुझे ऐसा लगता है इनके पास अपना दिमाग है लेकिन ये चलाती नहीं है, तो ये जो हैं वो अपने जो गुड्डू हैं इनके, यानी कि अरमान मलिक हैं, उनके इशारों पर नाचती हैं, इनका खुद का गेम अच्छा हो सकता है लेकिन ये करती नहीं है। और साथ में जब कृतिका आई थी तो कृतिका ने क्या बोला था कि भाई मुझे भाभी मत बुलाओ, मैं तुम्हारी कोई रिश्तेदार नहीं हूँ। सो इस तरीके की नोकझोंक जो है वो कृतिका और साथ ही साथ विशाल के बीच में हमें देखने को मिली थी, और तब से ही लग रहा था कि भाई इतना कुछ अच्छा जो है वो घर में नहीं चल रहा है, और वापस से वो झगड़े जो है जो ठंडे पड़ रहे हैं वो दोबारा से जनरेट हो सकते हैं। लेकिन अगर हम रीसेंट एपिसोड की बात करें तो कृतिका को भी यहाँ पर बड़े ही ठंडे अंदाज में देखा गया। इवन एक और बात एक्सपोज होती हुई नजर आई है, बाहर जब गई हैं दी वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका गेरा, उन्होंने जाके क्या बोला था कि कृतिका तो भाई छोटे कपड़े नहीं पहन रही हैं, विशाल के कारण छोटे कपड़े पहनना छोड़ दिया है उन्होंने। और अब देखिए, कृतिका ने इस ये जो सीन है उसमें एक शॉर्ट ड्रेस जो है वो पहनी हुई है, बाकी देखिए सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, कोई कुछ भी पहन सकता है, लेकिन आप फिर गलत बातें बाहर जा करके क्यों फैला रहे हैं? और कृतिका भी ये बात बोलती हुई नज़र क्यों आ रही थी कि मैं इसके कारण जो है मैंने डीप नेक गले पहनने छोड़ दिए हैं, मैं ये नहीं पहनूंगी, मैं वो नहीं पहनूंगी। अरमान मलिक कितना कुछ कहते नजर आ रहे थे उनको कि जिम वाले कपड़े इस तरीके से मत पहनो, अभी भी तो उन्होंने शॉर्ट ड्रेस जो है वो पहनी हुई है। अब कहाँ गया आपका वो पति बना कि भाई तुम, मैं जो कह रहा हूँ तुम वो पहनोगी तो मैं ऐसे नहीं पहनूंगी। तो समझ रहे हैं आप लोग, कहीं ना कहीं बिग बॉस में घर में आगे बढ़ने की जो स्ट्रैटेजी है उसके अकॉर्डिंग कृतिका और अरमान खुद में बदलाव लाते हुए नजर आ रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि विशाल के साथ अभी ये जो बड़प्पन दिखाने की कोशिश वो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सब उनकी कॉन्टेंट स्ट्रैटेजी का पार्ट है ताकि वो घर में किसी तरीके से आगे बढ़ सके। मे बी उनको लग रहा है कि ऑडियंस से बड़ी ज्यादा हेट उनको मिल गई है, तो अभी जो है वो प्यार थोड़ा सा उन्हें ऑडियंस का अपनी तरफ लेकर के आना है, ये सारी चीजें पार्ट हो सकती हैं इस दोस्ती का। साथ ही साथ शिवानी के साथ भी उन्होंने रूबरू करवाया। देखिए, शिवानी की अगर बात करें, शिवानी भी अच्छा खेल रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि शिवानी भी काफी आगे जा सकती है बिग बॉस के घर में अगर वो इसी तरीके से अपने दम पर खेलती रहेंगी। बाकी ये वाला जो एक सीन है वो प्रॉपर एक टॉपिक बन गया था, क्योंकि इन सब ने आपस में बड़े ही ज्यादा प्यार से बात की जिनकी आपस में बन नहीं रही है।
तो अभी घर में अगर हम देखें सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन बने हुए हैं अरमान मलिक, कृतिका मलिक, विशाल पांडे और लव कटारिया। रणवीर शोरे एक अच्छे प्लेयर ज़रूर हैं, लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो सारी की सारी अट्रैक्शन जो है वो विशाल पांडे और अरमान मलिक ने अपनी तरफ जो है वो घेरे हुए हैं। बाकी आज वीकेंड का वार भी होने वाला है और बहुत सारे मुद्दे घर में डिस्कस होने वाले हैं। वो मुद्दे क्या हो सकते हैं बहुत जल्दी हम वापस आकर के आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप हमें कॉमेंट करके बताइए कि आपको क्या लग रहा है, विशाल पांडे और अरमान मलिक की ये जो अब प्यार मोहब्बत एक बार फिर से जागी है, इसमें कौन अपना फायदा देख करके चल रहा है, विशाल पांडे या फिर अरमान मलिक? आपका वोट किसके लिए है? Let us know in the comments.